हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ की तिलकुट लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये ठंडी के सीजन में तो वैसे भी फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए और जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम मकर संक्रांति स्पेशल तिलकुट बनाना शुरू करते हैं। तिलकुट बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 200 ग्राम सफेद तिल, जिसे हमने साफ कर लिया है। 150 ग्राम गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है और हम 1 चम्मच घी यूज करेंगे। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हम एक कढ़ाई रखे हैं। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम उसमें तिल को डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक हम सेक लेंगे, यानी कि इसमें से एक चटकने की आवाज आने लगेगी, तब हम इसे निकालेंगे। तिल को हमने मीडियम फ्लेम पे 4 मिनट तक भूना है। तिल से एक चटकने की आवाज आ रही है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है, तो हमें ज्यादा नहीं भूनना है। इस स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है। अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो हम इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम चाशनी बनाएंगे। तो हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे। घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें गुड़ को डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने गुड़ को छोटा छोटा तोड़ लिया है। इससे क्या होता है, सब गुड़ एक साथ में पिघलता है। अगर गुड़ बड़ा रहेगा तो चाशनी बराबर तैयार नहीं होती है। तो हम इसे एकदम लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में पिघला लेंगे। तो गुड़ अपना पिघलना चालू कर दिया है। जो बड़ा साइज वाला गुड़ है उसे हम स्पैचुला से दबा दबा के तोड़ लेंगे। तो ऐसे ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। स्लो फ्लेम पे हमने 3 मिनट तक गुड़ को पिघलाया। तो आप ध्यान से देखिए, गुड़ के जो टुकड़े हैं वो सारे मेल्ट हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे, फिर हम चाशनी चेक करेंगे। हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। मेल्ट होने के बाद गुड़ पेंदी में लगने का चांस रहता है। तो हम चलाते हुए चाशनी तैयार करेंगे। मेल्ट होने के बाद हमने गुड़ को 3 मिनट तक ही पकाया है। तो आप ध्यान से देखिए, ये कितना झाग बन गया है, चाशनी का कलर चेंज हो गया है। और ऐसे हम करके देखेंगे, कढ़ाई से गुड़ अपना अलग होने लगा है। अब हम चाशनी को चेक करेंगे। तो हम एक कटोरी में पानी लेंगे और स्पैचुला से इसमें हम थोड़ा सा ड्रॉप डालेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये अपना ड्रॉप जो है बिल्कुल जम के ऊपर आ गया। तो ये चाशनी अपनी तैयार हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे भुना हुआ तिल डाल देंगे और गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे। तिल को हम अच्छे से चाशनी के साथ मिक्स करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जितना हमने गुड़ का चाशनी बनाया था उसमें तिल अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स डाला जाता है, लेकिन हमें नेचुरल गुड़ का ही फ्लेवर पसंद है, तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे और इसे घी से ग्रीस करेंगे। तो ऐसे हम कटोरी को ग्रीस कर लेंगे, एक एक कटोरी में डालते जाएंगे और इसे फिर हम बेलन से उसको तिलकुट का शेप देंगे। और हम एक बेलन लेंगे, इसके पीछे वाले हिस्से को भी घी से ग्रीस कर लेंगे और इससे हम
अपनी चिक्की को ऐसे कूट देंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और दूसरी कटोरी हम ऐसे ही ग्रीस कर लेंगे। चाशनी में तेल डालने के बाद ये प्रोसेस हमें बहुत ही जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो गुड़ के जमने के बाद हम करेंगे तो गुड़ जम जाता है तो करना मुश्किल हो जाता है। हमने दूसरी कटोरी में भी तिल गुड़ ले लिया है, अब हम इसके भी तिलकुट बनाएंगे। अब हम इसे निकालेंगे, तो इसे हम प्लेट में उलट देंगे, ये आसानी से निकल जाता है। तो आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी तिलकुट तैयार हुई है। अब हम दूसरी कटोरी को भी ऐसे ही करेंगे बेलन की मदद से और उसे ऐसे कटोरी का शेप देंगे। हमने तिलकुट का शेप दे दिया, अब इसे हम कटोरी से निकाल लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कितनी अच्छी तिलकुट तैयार हुई है। ऐसे ही हम और भी कटोरी का तैयार करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए तिल गुड़ से तिलकुट बनकर तैयार है। इसे आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं और एक खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।